दोस्तों, जिस तरह MBA चाय वाले ने आज फ्रेंचाइजी बेचकर लोगों को गुमराह किया, इसी तरह एक शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी, उसने शार्क ने क्या जवाब दिया, लेकिन पहले ये सुनिए। झूठ बोलने की एक सीमा होती है ना, तुमने वो हद पार कर रखी है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,900,000 रुपए अपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपए रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपए पॉस्ट प्रोसेसिंग का पैसा लिया है, 25 से 30 लाख रुपए आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपए आपको दिए हैं। ये छोटा अमाउंट होता है, अगर कोई कह दे ये छोटा अमाउंट होता है तो आप मत दीजिए। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी बात ना आपकी टीम में कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है, सबने मुझे रिजेक्टेड पे नंबर लगा रखा है, क्योंकि मैं फोन करता हूँ, मैं सेल के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपने जो प्रॉमिस किया था मैं उसके लिए डिमांड करता हूँ। आपने कहा था देवर्सी मालविया ने हमें आउटलेट बेचा हुआ था, उन्होंने हमें कहा था 1,00,000 रुपए महीने का प्रॉफिट निकाल कर देंगे आपको, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बैठना है। एम्प्लॉय आपके थे, उन्होंने क्यों कमिटमेंट कर ली मुझे नहीं पता। जब बात आपसे नहीं हुई, आपके एम्प्लॉय से हुई, पैसा आपके अकाउंट में गया, तो आज अपने वादे से सारी चीजों मुकर नहीं सकते हैं, और आप ऐसे लोगों को नहीं बना सकते हैं। वर्ड होता है हमारे माथे पर सी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ूंगा, मैं आपसे पैसे लेकर रहूंगा, जैसे भी जैसे भी किसी भी कीमत पे मुझे मेरे पैसे वापस लिए, बात करता हूं मैं। प्लीज मेरा सपोर्ट करें और मुझे मेरे पैसे वापस दिला दें, चाहे मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़े या पुलिस का सहारा लेना पड़े या जैसा लेना पड़े, मैं सहारा लेकर के अपने पैसे मुझे वापस चाहिए। शार्क टैंक का जवाब सुनिए। तो आप प्रोडक्ट सेल ही नहीं करते, फ्राइचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगे और मैं नहीं आता हूँ, मेरे घर के बाहर बैठे, ठीक है। सिंपल इशू है, जब तक पैसा बनता है फ्रेंचाइजी आपका है, जिस दिन पैसा बंद हो जाएगा फ्रेंचाइजी मारेगा। और मेरे को ना सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो क्या MBA चाय वाले के साथ भी ऐसा ही होगा, लोग इनके घर पर चले जाएंगे और क्या इनसे पैसे रिटर्न मांगेंगे? क्या MBA चाय वाला बंद होने वाला है? देखते हैं आगे क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।